लल्ला राधे अरे राधे क्या कर रहे हो ये सब हम कह रहे चलो हमारे साथ अंदर हटो दूर रहो मुझसे मुझे नहीं रहना यहां मुझे कृष्णा के पास जाना है कोई बात नहीं राधे सुनो गज्जू तुम पीछे हटो लल्ला अपनी मम्मी जी के पास आ जा चल अंदर चल आज चल चल डोंट यू अंडरस्टैंड अरे आई सेड गेट अवे फ्रॉम मी मम्मी जी अबे चौरसी है यार शक्ल तो मिल नहीं रही है लौंडे की और ये सब बोराए घूम रहे हैं अबे ये ऐसा कैसा हो सकता है यार कि ये राधेलाल है और कहीं से उठकर आ गया है और ऊपर से इसको कुछ याद भी नहीं है अमा यार लग तो नहीं रहा है लेकिन क्या है कि कुछ भी हो सकता है अब देखो भाई कहीं भी खुदाई करो तो ईश्वर की मूर्तियां निकल आती हैं अब कहां से आती हैं लेकिन आती जरूर है है? चुपचाप ना शांति से अंदर चलो कमरे में मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना मुझे कृष्णा के पास जाना है यह डुबो के मार देंगे साले हम तुमको समझते हो 6 साल में भूत नहीं उतरा कृष्णा का अभी तक हम कह रहे हैं जाओ नहीं तो जुती आएंगे यहीं पे निकाल कभी जाओ अरे ऐसे कैसे मारेंगे अपना फेवरेट बेटा बोलते हैं आप मुझे ऐसे मारेंगे फेवरेट बेटे को पापा जी महान तो आप भी हैं हम आपके बेटे नहीं हैं मगर फिर भी आप हमें अपना सबसे फेवरेट बेटा मानते हैं मारेंगे थप्पड़ राधेलाल एक बात गांठ बांध लो बेटा तुम हमारे फेवरेट बेटे हो हमेशा रहोगे अम्मे मैया आपको हर बार पूरा सर्कस लिखने के लिए शुक्ला परिवार ही मिलता है फेवरेट बेटे हो तो सर पे मुतोगे शांति से अपने कमरे में जाओ क्या भैया शुक्ला लौंडा अपना है या किसी और का अबे जांच करवा लो कहीं किसी और का लौंडा ना निकले हमें ये सब तो चलता रहेगा छोड़ो हमें लौंडा वापस आ गया तो मिठाई उठाई नहीं खिलवाओगे क्या यार जाओ शांति से ना अपने कमरे में जाओ है गज्जो लेके जाओ इनको चलो बेटा ले अरे बिट्टू क्या सोच रही है
खाना तो शुरू कर, देख रोटियां भी ठंडी हो गई। क्या बुआ? एक चीज ठीक से करना चाह रही हूं मैं। Doesn't work। मुझे तो पहले से ही पता था इतना तमाशा होगा जब शुक्ला फैमिली को राधे के बारे में पता चलेगा। कोई बात नहीं बिट्टू, ऐसा है कि ये सब ना वो बेला का काम है, जासूस नंबर वन। तूने पूरी कोशिश की ना बिट्टो, है? तू क्या कर सकती हो? और जाने दे, चल खाना खा ले तू। नहीं बुआ, बिट्टो इतना आसान नहीं है। ये बात तो कंफर्म्ड है कि ये लड़का राधे नहीं है, लेकिन ये है कौन और क्यों कर रहा है ये सब? क्या इससे कोई करवा रहा है? और अगर ये सच है तो फिर तो ये जेन्युइन केस है ना, तो फिर उस बेचारे को तो उसके फैमिली तक पहुंचा देना चाहिए ना, सब पता चल जाता। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता रिजल्ट आने तक का। टाइम तो हमारे बेटे को भी चाहिए था। तुमने जो उसके साथ किया था और जो कर रही हो वो गलत है। आप यहाँ? Of course। मैं यही सोच रही थी कि हॉस्पिटल में इतना बड़ा ड्रामा हो गया और आप अभी तक आई क्यों नहीं? कृष्णा, शुक्ला परिवार और तुम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने तो खैर जहमत नहीं उठाई हमारे बेटे के बारे में जानने की। तुमने भी एक बार नहीं सोचा? हाँ? तुम्हारा पति वापस आ गया पर तुमने एक बार भी ये सोचा कि उस वजह से एक मासूम इंसान 5 साल से जेल में सड़ रहा है? बोलो। देखिए आप, I don't know। सी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि this man is not राधे, और वीर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। कोर्ट ने जो किया सो किया, so try and understand। और रही बात राधे की लौटने की, तो DNA टेस्ट के रिजल्ट अभी आने बाकी है। अच्छा भाई वाह, सारा शहर जानता है कि राधे वापस आ गया है। एक बात ध्यान से सुनो, शुक्ला परिवार को हम कह चुके हैं और तुम्हें भी कह रहे हैं, वक्त रहते हमारे बेटे को जेल से छुड़वा लो, वरना तुम सबको कोर्ट में घसीटेंगे हम। तुम्हारे और तुम्हारे इस राधे के चक्कर में 5 साल बर्बाद हो गए हैं हमारे बेटे के, और नहीं होने देंगे, समझी? और नहीं होने देंगे। आप लोग क्यों इस आदमी को राधे बनाने में तुले हुए हैं? वो कुछ नहीं है मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकती, ना इसके लिए और ना ही वीर के लिए। आप गलत जगह आ गई हैं। प्लीज अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अरे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।